हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रोहित कुशवाहा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बच्चों, आज का लेक्चर आपको साइंस में समझने में हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि नेचर में कोई भी प्रोसेस होती क्यों है, या फिर किसी भी प्रोसेस के होने के पीछे रीज़न क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मान लो आपने एक बॉल लिया, उसको होल्ड करके रखे रहो, जैसे आप बॉल को छोड़ोगे तो क्या होगा, बॉल नीचे जाएगी। क्लियर है? बॉल ऊपर क्यों नहीं जाएगी, ठीक है ना? इसके पीछे रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। या फिर मान लो दो आप अपोजिट चार्ज ले लो, तो जैसे आप अपोजिट चार्ज लोगे वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, वो रिपेल क्यों नहीं करेंगे, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है वो डिस्कस करेंगे आज हम लोग। या फिर आप एक थर्ड एग्जाम्पल सिमिलर चार्जेस ले लो, तो जैसे आप सिमिलर चार्ज लोगे तो वो क्या होगा, आपस में रिपेल करेगा, वो अट्रैक्ट क्यों नहीं करेगा, या फिर इसके पीछे रीज़न क्या है। वन बाय वन हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है ना? तो जैसा कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाई एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस टेक प्लेस, नेचर में कोई भी प्रोसेस होती क्यों है। स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होता है, नेचुरल प्रोसेस। तो नेचर में कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्यों। तो बच्चों देखो, अब हम लोग यही चीज़ें एग्जाम्पल लेके पढ़ते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, एक बॉल ली जिसका मास m है और हाइट h है ग्राउंड से। क्लियर है? अब अगर मैंने पूछा, बताओ इस बॉल के पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अगर मैं बॉल को होल्ड करके रखा हुआ हूँ, इसका मास m है, हाइट h है और g ग्रेविटी है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, mgh होगी। क्लियर है? अब आप जैसे इस बॉल को छोड़ोगे, ये बॉल कहाँ जाएगी, ग्राउंड पे टच करेगी, यानी नीचे जाएगी। क्लियर है? नेचुरली तो ऐसा ही होगा ना। तो जब नीचे आएगी तो मैंने मान लिया, देखो नीचे आ गई। अब नीचे आई तो उसमें देखो चेंज क्या हुआ, पहले ये कंसीडर करते हैं हम लोग, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे चेंज हो क्यों रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो चेंज क्या हुआ, अगर मैं बात करूँ, बताओ इसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइट कितनी हो चुकी है, जीरो, और एच की वैल्यू जीरो रखोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। इसका मतलब बॉल ऊपर से नीचे आने में उसने किया क्या है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या किया, उसने डिक्रीज किया हुआ है, क्योंकि पहले कुछ ना कुछ वैल्यू तो थी ना, अभी वैल्यू कितनी हो चुकी है, जीरो हो चुकी है, मतलब वैल्यू क्या हो गई है, डिक्रीज कर गई है। क्लियर है? तो देखो यहां पर पॉइंट देखो बच्चों, ये वाला पॉइंट आपको भी याद रखना है। अब मैं क्या करूंगा, बहुत सारे पॉइंट को एक दूसरे से कनेक्ट करूंगा आगे चल के। क्लियर है? अब देखो दूसरी बात, मैं आपको एक चीज अभी से ये समझाना चाहता हूं जो कि मैं आगे यूज करने वाला हूं। तो ये हम लोग 12th क्लास से पढ़ते हैं कि मान लो दो चार्जेस रखे हुए हैं जो कि Q1 Q2 के चार्ज हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस अगर कितनी है, R है, ठीक है? तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना लगता है, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और लगता है के, के मीन्स होता है कॉन्स्टेंट, इंटू क्या होता है, Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो Q1 Q2 क्या हो गया, चार्ज हो गया, और R क्या हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई। क्लियर है? तो ये आपको फॉर्मूला 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा, बट अभी आपको फॉर्मूला याद रखना है कि दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है, और यहां पर K क्या है, कॉन्स्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं दो चार्ज के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है के, के मीन्स हो गया कॉन्स्टेंट, और हो गया Q1 Q2 मतलब चार्ज की वैल्यू, डिवाइड बाई आर। क्लियर है? तो दो चार्जेस के बीच में इतना फोर्स लगता है और ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो आपको बस ये भी फॉर्मूला याद रखना है। अब ये फॉर्मूला कैसे आया, इसका यूज क्या करते हैं, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, वो मतलब फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है? क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी का यूज मैं करने वाला हूं, इसलिए मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख लिया। आडियो की बात समझ में आप लोगों को? तो देखो हम लोग इसका यूज कैसे करेंगे। अब जो ध्यान से सुनो, देखो यहां पर, अब मैं यहां पर सेकंड एग्जांपल लेता हूं। सेकंड एग्जांपल में मैंने क्या लिया, सिमिलर चार्जेस लिए। क्लियर है? सिमिलर चार्ज मतलब एक मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया और दूसरा भी क्या लिया, पॉजिटिव चार्ज लिया। तो नेचुरली ये देखा गया है कि जब आप सिमिलर चार्जेस लोगे
तो वो आपस में हमेशा रिपेल करते हैं, रिपेल करते हैं मतलब हमेशा दूर जाना चाहते हैं, क्लियर है। और इनके बीच के बाद हमने डिस्टेंस कितनी मान ली कि डिस्टेंस आर है, आ रही बात समझ में आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। तो देखो अगर मैंने पूछा दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पहले कैलकुलेट करते हैं, तो चलो हम लोग निकालते हैं यहाँ पर। तो जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू होगी वो होगी के, चार्ज मैंने ले लिया क्यू वन है, ये प्लस क्यू वन है ठीक है, और ये प्लस क्यू टू है, तो क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई क्या हो गया, आर हो गया। आ रही बात समझ में आप लोगों को। अब अगर मैं बात करूं नेचुरली क्या होगा, दोनों अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपेल करेंगे, और रिपेल करेंगे तो क्या करेंगे, दूर जाएंगे, क्लियर है। अब अगर ये दोनों चार्ज दूर जाएंगे तो बताओ उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इंक्रीज करेगी, यानी नेचुरली ऐसा होगा कि ये दोनों चार्ज दूर जा रहे होंगे, और दूर जाएंगे तो आर की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करेगी इसका मतलब क्या होगा, देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि क्यू वन भी पॉजिटिव है और क्यू टू भी पॉजिटिव है, और ये जो कॉन्स्टेंट होता है ये भी पॉजिटिव होता है, इसका मतलब आर अगर इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, यहां पर डिक्रीज करेगी, क्लियर है। यानी यहां पर भी नेचुरली क्या हो रहा है, देखो ये भी अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाहता है, सेम वैसे ही जैसे एक बॉल को हम लोग ने होल्ड करके रखा था, उसको छोड़ा तो उसमें भी क्या हो रहा था, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही थी। यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, नेचुरली उसकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, क्लियर है। चलो एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं, जैसे मानो ले लिया मैंने थर्ड नंबर, अपोजिट चार्ज ले लिया, चलो अब देखते हैं यहां पर क्या होगा, क्या ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा कि नहीं करेगा, चलो देख लेते हैं। तो मान लो मैंने यहां पर क्या ले लिया, अपोजिट चार्ज मतलब मैंने क्या ले लिया, प्लस क्यू वन ले लिया, एक दूसरा चार्ज मैंने ले लिया मान लो माइनस क्यू टू ले लिया, तभी तो अपोजिट होंगे, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और मैंने बीच की डिस्टेंस कितनी ले ली, आर ले ली। तो अगर मैं पूछूं बता दो चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो पोटेंशियल एनर्जी होता है के मतलब हो गया कॉन्स्टेंट, ठीक है, ये हो गया क्यू वन, ये हो गया क्यू टू डिवाइड बाई आर हो गया, इतना भी आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। अब देखो यहां पर दोनों चार्ज क्या थे, सिमिलर चार्ज थे, तो मल्टीप्लाई करने पे हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे तो प्लस प्लस ले लो तो भी पॉजिटिव आएगा, चाहे तो माइनस माइनस ले लो तब भी पॉजिटिव आएगा, बट यहां पर क्या है, अपोजिट चार्ज है, तो अपोजिट चार्ज का जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखो आपको ऐसा दिख रहा होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, इन दोनों में एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्लियर है। तो यहां तक मैं मान के चल रहा हूं समझ में आ रहा है आप लोगों को, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना। अब अगर आप अपोजिट चार्ज लोगे नेचुरली नेचर में तो क्या होगा, अपोजिट चार्ज हमेशा देखा गया आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, तो अब ये दोनों मतलब क्या होगा, आपस में अट्रैक्ट करेंगे। अब अगर अट्रैक्ट करेंगे तो उनके बीच की मतलब रेडियस क्या होगी, डिस्टेंस कम होगी, अट्रैक्ट करना मतलब पास में आना, और पास में आएंगे तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी, क्लियर है। तो मैं यहां देखो लिख रहा हूं यहां पर रेडियस क्या होगा, डिक्रीज करेगा, और अगर रेडियस की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो मैं पूछूं यहां पे बताओ वन बाई आर क्या होगा, वन बाई आर इंक्रीज करेगा, क्लियर है। और अगर वन बाई आर इंक्रीज करेगा और मैंने पूछा बताओ माइनस वन बाई आर क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा, ये समझ पा रहे हो, अगर आर डिक्रीज करेगा तो वन बाई आर इंक्रीज करेगा, और वन बाई आर इंक्रीज करेगा तो माइनस वन बाई आर डिक्रीज करेगा, माइनस लगाने से साइन चेंज हो जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं, चलो यहां पर जैसे थ्री और टू में कौन सी वैल्यू ज्यादा है, थ्री वैल्यू ज्यादा है, बट अगर मैंने माइनस का साइन लगा दिया, अब मैंने पूछा बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा है, तब ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो माइनस का साइन करने पे साइन क्या हो जाता है, ये वाला चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से मैंने क्या किया, अगर 1 बाई आर बढ़ेगा तो माइनस 1 बाई आर क्या होगा, कम होगा, और माइनस 1 बाई आर कम होगा तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। यानी यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। यानी यहां से हम लोगों को एक आइडिया लग गया
कि नेचर में कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए होती है। आ रही बात समझ में आप लोगों को? तो चलो मैं सबको रफ करता हूं। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो बच्चों नेचर में ये देखा गया है कि नेचुरली कोई भी प्रोसेस होती क्यों है, स्टेबल होने के लिए होती है। और सब स्टेबल होने के लिए कर क्या रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रहा है। ये आ रही बात समझ में आप लोगों को? अभी तीन एग्जांपल लेके प्रूव कर दिया हम लोगों ने। आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे कि बॉन्ड क्यों बनता है, बॉन्ड बनेगा तब भी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो हर जगह हम लोग देखेंगे, हर जगह सिस्टम करना क्या चाह रहा है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करना चाह रहा है। आ रही बात समझ में? तो बता कोई भी प्रोसेस होने का रीजन क्या होगा, मैं इसका आंसर लिख सकता हूं। बच्चों नोट कर लो इसको, नेचर में कोई भी प्रोसेस क्यों होती है, स्पॉन्टेनियस मतलब होता है नेचुरल प्रोसेस। तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्यों होती है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए होती है। क्लियर है? और अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, उससे स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। आप इसको नोट कर लीजिए। मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है? तो बच्चों देखो, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, इससे हम लोगों को यह आइडिया लग गया कि नेचर में कोई भी नेचुरल प्रोसेस क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए होती है। और सारी प्रोसेस स्टेबल होने के लिए क्या कर रही है, अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज कर रही है। क्लियर है? यानी यहां से एक स्टेबिलिटी का रूल बन गया कि जब जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब तब स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? तो हम लोग यहां पर स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया लिख लेते हैं। स्टेबिलिटी कब होगा, जब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी तब स्टेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर है? चलो ठीक है। अब मेरे को थोड़ा केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूं आपको मैं। अब केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो कोई भी केमिकल रिएक्शन होती क्यों है, वो भी स्टेबल होने के लिए होगी। अब बताओ वो स्टेबल होने के लिए क्या करेगी। तो देखो केमिकल रिएक्शन के में पोटेंशियल एनर्जी ना बोल के हम लोग वहां पे क्या टर्म यूज करते हैं, गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। यानी यहां पर जो फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी है वही केमिकल रिएक्शन में क्या होगी, गिब्स फ्री एनर्जी। दोनों मतलब यहां सेम है। आ रही बात समझ में? यानी कोई भी केमिकल रिएक्शन क्यों होती है, स्टेबल होने के लिए होती है। और स्टेबल होने के लिए केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, वो अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करेगा। आधी बात समझ में? दुनिया में कोई भी रिएक्शन, ठीक है ना, अगर हो रही है यानी उसमें जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही होगी, अदरवाइज वो रिएक्शन होगी नहीं। आधी बात समझ में? अब ये गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, आप इसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ये हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे। ये हम लोग क्लास 11 का चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो तब तक का वेट करो। बस आपको अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज कर दी है तो भी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। बट रिएक्शन के टाइम हम लोग क्या बोलेंगे, अगर रिएक्शन की गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज कर दी है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगी, तुम्हारी नेचुरल होगी। क्लियर है? चलो फिर ठीक है। अब इसको नोट कर लो, मैं रफ कर देता हूं। नोट हो गया होगा अब तक? तो देखो मैं रफ करता हूं इसको।
तो देखो चलो तो थोड़ा बहुत आपको गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बता देता हूं, जिससे आपको भी थोड़ा बहुत क्या होगा आइडिया लग जाएगा। तो गिब्स फ्री एनर्जी आपके लिए बहुत ही नया टर्म है, तो इतनी टेंशन मत लेना, हम लोग धीरे धीरे सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो हम लोग थोड़ा बहुत गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अब मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाए। इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर है। और जब भी कोई रिएक्शन लिखते हैं तो जो हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो राइट में लिखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्रोडक्ट बोलते हैं, क्लियर है। तो बच्चों देखो मैंने मान लिया कि जो रिएक्टेंट की गिब्स फ्री एनर्जी है वो कितनी है कैपिटल G1 है, और जो प्रोडक्ट की वैल्यू है कितनी मान ली मैंने कैपिटल G2 मान ली। अब गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या होती है, तो मैंने आपको बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में रिएक्शन के टर्म में गिब्स फ्री एनर्जी बोलते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो अभी आपको ये मान लेना है कि वैल्यू G1 है और ये वैल्यू G2 है, ठीक है। अब हम लोग चेंज कैसे निकालते हैं, तो चेंज मतलब क्या होता है फाइनल यानी प्रोडक्ट माइनस इनिशियल मतलब रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से निकालते हैं तो ये G2 माइनस G1 हो जाएगा। समझ में आ रही बात है आप लोगों को, चलो फिर ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पहली कंडीशन क्या मान ली, इफ मैंने मान लिया G1 की वैल्यू G2 से ज्यादा है, अगर G1 की वैल्यू G2 से ज्यादा है यानी ये वाली वैल्यू ज्यादा है मतलब माइनस वाला फैक्टर डोमिनेंट करेगा, इसका मतलब जो डेल्टा जी की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी निगेटिव आएगी। अब वैल्यू निगेटिव मतलब ये वाली वैल्यू ज्यादा थी ये वाली वैल्यू कम है, यानी जब रिएक्शन हुई तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई डिक्रीज कर गई। आ रही बात समझ में, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या हो गई डिक्रीज कर गई। और जब गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज करती है ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल रिएक्शन या फिर नेचुरल प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस मतलब होता है नेचुरल। अब मैं बात करूं कौन कौन सी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, जैसे कि मान लो जो जो प्रोसेस नेचुरल होगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया यहां बनो मैंने अपने हाथ में भी आइस ले लिया, तो अगर आप आइस लोगे तो क्या होगा वो मेल्ट कर जाएगा, क्लियर है। क्यों मेल्ट कर जा रहा क्योंकि अभी जो टेम्परेचर है 0°C से ज्यादा है, तो 0°C से ज्यादा पर क्या होगा आइस हमेशा मेल्ट कर जाएगा, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। अगर आप दो गैसेस रख दो तो दोनों गैसेस आपस में मिक्स कर जाएंगे, तो ये प्रोसेस भी क्या होगी स्पॉन्टेनियस होगी, क्लियर है। आपने एक बॉल को होल्ड करके रखा हुआ है, जैसे आप छोड़ोगे तो बॉल हमेशा नीचे जाएगी, तो ये नेचुरली जा रही है ना, तो उसको बोलेंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यदि कोई भी प्रोसेस जो अपने आप हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं, क्लियर, या फिर नेचुरल प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो नेचुरल प्रोसेस मतलब क्या होगा, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कोई भी प्रोसेस क्यों होती है स्टेबिलिटी गेन करने के लिए होती है, और स्टेबल होने के लिए क्या करेगी प्रोसेस अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगी, और उसी पोटेंशियल एनर्जी का नाम यहाँ पे क्या है गिब्स फ्री एनर्जी है। यानी कोई भी रिएक्शन क्यों होती है अपनी गिब्स फ्री एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए होती है। आ रही बात समझ में बच्चों आप लोगों को। फिर देखो सेकेंड इसमें डिस्कस करते हैं, देखो मैंने बोल दिया कि मान लो G1 की वैल्यू क्या है G2 से कम है, ये भी हो सकता है, क्लियर है। अगर ये हो गया यानी G2 की वैल्यू ज्यादा है मतलब पॉजिटिव वाला टर्म डोमिनेट करेगा, यानी डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी यहां पर पॉजिटिव आएगी, क्लियर है। और पॉजिटिव मतलब यानी ये वाली वैल्यू कम है और ये वाली वैल्यू ज्यादा है, मतलब वैल्यू जब रिएक्शन हुई तो वैल्यू क्या हो गई इंक्रीज कर गई, तो इसका मतलब क्या होता है जी क्या हो गया इंक्रीज कर गया, क्लियर है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन या फिर प्रोसेस। यानी जब डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जब जब डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होती है तो ऐसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस का अपोजिट होता है, यानी अगर आप हाथ में आइस रखोगे तो मेल्ट कर जाएगा, तो मेल्टिंग ऑफ आइस अबव 0°C क्या होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बट अगर आप हाथ में क्या ले लो वाटर ले लो तो वो आइस तो नहीं बनेगा ना,
तो वाटर आइस नहीं बनेगा, इसका मतलब वो कौन सी प्रोसेस है? नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप होती है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस अपने आप नहीं होती है, उसको आपको करना पड़ता है किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की हेल्प से। बच्चों वाली बात समझ में आप लोगों को? अब देखो इसी में मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करता हूं। थर्ड पार्ट, अगर मैंने मान लिया इफ G1 और G2 की वैल्यू इक्वल है, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है इसका मतलब क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू, देखो ये दोनों बराबर है तो डेल्टा जी मतलब ये वैल्यू कितनी आएगी? जीरो आएगी। ठीक है, जीरो आएगी मतलब ये वैल्यू क्या हो रही है आपकी? चेंज ही नहीं हो रही है। तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? एट रिएक्शन कहां पर है? इक्विलिब्रियम पर है। क्लियर है? तो जब जब डेल्टा जी क्या होता है? निगेटिव होता है तो बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अगर जीरो है इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। क्या बच्चों आ रही आपको बात समझ में? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हम लोग थर्मोडायनेमिक्स बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है ना? तो आप इसको नोट कर लो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लेना, या मैं चलो थोड़ा और बता देता हूं उसके बारे में, ठीक है ना? तो आप इसको नोट करो। तो मैं मान के चल रहा हूं आपने नोट कर लिया होगा, मैं रफ करता हूं। तो बच्चों देखो, गिब्स फ्री एनर्जी आपको बहुत ही न्यू टर्म लग रहा होगा, तो आप टेंशन मत लो, बस मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि नेचर में कोई भी रिएक्शन या कोई भी प्रोसेस होती क्यों है, ठीक है ना? तो उसको समझाने के लिए मुझे ये टर्म ऐड करना ही पड़ेगा, इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में अभी पहले से ही बता देता हूँ। तो देखो नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में, देखो मैं आपको बताता हूँ कि चलो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। ठीक है, और फिर मैं चलो इसमें यहां बता दूंगा आपको, चलो पहले ही बता देता हूं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब होता है कि मान लो कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और स्पॉन्टेनियस मतलब क्या होगा? डेल्टा जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? निगेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर मैंने बोल दिया, इसका मतलब क्या होगा? कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा, यानी ये जो रिएक्शन होगी किस डायरेक्शन में, यानी यहां पर क्या होगा? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरल होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट क्या बनेगा? नेचुरली बनेगा। क्लियर है? और नेचुरली बनेगा यानी ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा अगर मैं पूछूं तो ये कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी रिएक्शन। आ रही बात समझ में? यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा बट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, वो भी कौन सी डायरेक्शन होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन। थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है आप लोगों को? तो इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है ना? अभी सेकंड पार्ट देखो, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है। तो देखो बच्चे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होगा? अगर मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है और यह बोल दिया कि डेल्टा जी की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, यानी रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो इसका सिर्फ एक ही मतलब हुआ कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नेचुरली तो नहीं बनने वाला, मतलब ये नेचुरली तो नहीं बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो क्या होगा? अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है, यानी इसकी जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो क्या है आपकी? कम है। और इसकी गिब्स फ्री एनर्जी क्या है? ज्यादा है। तो अगर आप इसको चेंज कर दो, यानी प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बना दो, तो उस केस में क्या होगा? डेल्टा जी मतलब फिर क्या होगा? इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। कब? जब आप इसको चेंज करोगे। ठीक है, यानी डेल्टा जी पॉजिटिव है तो उसको डेल्टा जी निगेटिव बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? कि रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दो, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दो। इसका सिंपल सा बस ये मतलब हुआ कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाएगी। अगर फॉरवर्ड में नहीं जाएगी तो कहां जाएगी? रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट नहीं बनेगा, लेकिन सेम कंडीशन पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा।
समझ रहे हो बात को? यानी यहां पर स्पॉन्टेनियस मीडिएशन सिर्फ कहां जाती है, एक ही डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। जबकि यहां मतलब पॉजिटिव मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी, रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। आधी बात समझ में? चलो मैं थर्ड पार्ट भी इसका डिस्कस कर दे रहा हूं, जो भी मैंने पढ़ाया था। अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा, जैसे मान लो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट दिया हुआ है और बोलेगा कि मान लो डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, जीरो है। समझ पा रहे हो आप लोग? अब देखो डेल्टा जी जीरो मतलब क्या होगा कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनेगा एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बनेगा। समझो बात को, डेल्टा जी जीरो मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन रहा है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन रहा है। इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी एंड दोनों सेम रेट से जाएंगे। क्लियर है? और दोनों सेम रेट से जाएंगे तो आपको लगेगा कि रिएक्शन आगे बढ़ ही नहीं रही है, यानी रिएक्शन के बीच में क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम रहेगा। यानी जब जब डेल्टा जी की वैल्यू जीरो होगी तब तब ये वाला साइन आएगा, और ये वाला साइन आपने देखा भी होगा या फिर आप पढ़ोगे क्लास 11th में, एक इक्विलिब्रियम नाम का चैप्टर है, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ये वाला साइन आएगा। तो जहां जहां ये वाला साइन लगा होता है इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रही है और रिएक्शन बैकवर्ड भी आ रही है और दोनों सेम रेट से हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब रिएक्शन बोथ डायरेक्शन में जा रही है और इसका मतलब सिंगल डायरेक्शन में जा रही है, उसका मतलब भी सिंगल डायरेक्शन। क्लियर है? तो गिब्स फ्री एनर्जी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी कि बैकवर्ड जाएगी, रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। तो ये रिएक्शन नेचुरली होगी क्योंकि वैल्यू क्या है, निगेटिव है, बट अगर वैल्यू पॉजिटिव है तो नेचुरली नहीं होगी, यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, बट हाँ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन जाएगा। बच्चों समझ रहे हो बात को? और एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बताता हूं, जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती है ऑल नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस। तो मैं लिख देता हूं, तो नेचर में जितनी भी नेचुरल प्रोसेस होती हैं सारी की सारी क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस होती हैं। आ रही बात समझ में? तो बच्चों नोट कर लो उसको, अगर आपको अभी भी कोई डाउट लग रहा है तो प्लीज कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसके जस्ट बाद डिस्कस करते हैं कि बॉन्ड क्या होता है या बॉन्ड कैसे बनता है या फिर बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, ठीक है ना। हमेशा कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज ही क्यों होती है, एब्जॉर्ब क्यों नहीं होती, या फिर जब भी कोई बॉन्ड को ब्रेक करो तो एनर्जी देनी क्यों पड़ती है। क्लियर है? तो वन बाय वन सब डिस्कस करते हैं हम लोग, तो पहले आप इसको नोट कर लो।